नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन में और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक नया प्लांट। और देखिए, यहाँ पर ये है पान का प्लांट और ये कटिंग फ्रेंड्स मैं कहीं से लेके आई हूँ। और मेरे पास ये पान का प्लांट नहीं था, तो कुछ इस तरह से मैं इसको लेके आई हूँ और इसको मैं ग्रो करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं किस तरह से इसको ग्रो करूँगी, और ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है फ्रेंड्स। ये पान का पत्ता हमको हमेशा ज़रूरत पड़ती है अपने घर में, तो इसको आप ज़रूर लगाएं। पूजा होती है ना, जब हमको हमेशा पान के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ कहीं से कटिंग। और देखिए, ये मैं लगाने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री का प्लांट मैं बनाने वाली हूँ। और ये नर्सरी में फ्रेंड्स बहुत महंगा मिलता है। बिल्कुल छोटा सा प्लांट आपको कम से कम नहीं तो 100 रुपये का मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, और ये भी पौधा मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है। तो इसको देख लेते हैं मैं किस तरह से इसको ग्रो करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना प्लीज, और लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए लगाते हैं इस प्लांट की कटिंग को। तो फ्रेंड्स, इस पान की कटिंग को मैं कट करूँगी। तो इस तरह से मैं इसको कट करूँगी, यहाँ से जो ये फ्रेंड्स नोड एरिया होती है वहाँ से हम इस कटिंग को काटेंगे। तो जो नोड एरिया है वो मिट्टी में होगी, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर नोड एरिया होगी वहाँ से मैं इसको कट करूँगी। तो इस तरह से मैं कुछ छोटी छोटी सी कटिंग से बना रही हूँ फ्रेंड्स, और इसको मैं ग्रो करूँगी। तो कुछ इस तरह से 3 से 4 कटिंग्स मैंने फ्रेंड्स बना लिए हैं। और जो नीचे के ये पत्ते हुए हैं उनको मैं कट कर दूंगी, जहाँ से नोड एरिया है वो पत्ते मैं कट कर देती हूँ। और 1 से 2 नोड एरिया मिट्टी में जरूर ही जाना चाहिए, तभी आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो इस तरह से मैंने ये पान की कटिंग्स को मैंने काट लिया है। और फ्रेंड्स, मैं सुबह लेके आई थी, तो अभी देखिए इस तरह से कुछ पत्ते मुरझा रहे हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे से ये ग्रो करेगी। तो मैं इसको देखिए लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स, अब मैं इसको ग्रो करूँगी। तो इसके लिए मैं मिट्टी बना रही हूँ, और मिट्टी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 कटिंग तैयार कर ली हैं इस तरह से, और अब मैं लगाने वाली हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कंटेनर लिया है छोटा सा। जब भी आप कटिंग लगाएं, छोटी सी कंटेनर में लगाएं, तो अच्छे से आपकी कटिंग्स ग्रो होगी। और जब कटिंग्स बड़ी हो जाए तब आप इसको बड़ा पोतते हैं। तो अब मैं इसमें देखिए इस तरह से मैंने इसमें कुछ नहीं डाला फ्रेंड्स, ये है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट से मैं इसको ग्रो करूँगी। तो ये इसमें मिट्टी नहीं मिलाई फ्रेंड्स, ये है किचन वेस्ट। तो इस तरह से मैं किचन वेस्ट को इसमें डाला है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मिट्टी भी ली है। ये एक ग्रो बैग मेरे पास रखा था। इस तरह के जो ग्रो बैग होते हैं फ्रेंड्स, मैं रख लेती हूँ, कभी भी मैं नहीं फेंकती हूँ। और इसमें थोड़ी सी मैंने बालू मिट्टी मिलाई है, और थोड़ी सी ये गार्डन की मिट्टी है, और ये थोड़ी सी इसमें किचन वेस्ट है। तो ये पहले से तैयार रखी थी मेरे पास, तो इसको मैंने ग्रो बैग में भर लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं 2 इसमें लगाऊंगी। और देखिए, इस तरह की एक बॉटल है मेरे पास, और इस बॉटल, ये जो 10-10 रुपए की बॉटल होती है, जो जिसमें हम सोडा पीते हैं, वो बॉटल मेरे पास फ्रेंड्स से रखी हुई थी। तो इसमें मैंने पानी लिया है, और इसके अंदर मैं पानी में भी ग्रो करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कटिंग है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है,
और मुझे बहुत पसंद है पान को अपने घर में लगाना, और तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये चार जगह, तीन जगह इसको, चार कटिंग है, चार जगह मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं पहले इसको, देखिए यहाँ जो नोट एरिया है इसको मैं मिट्टी में दबाएंगे तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इस तरह से ये कम से कम तो 2 से 3 अंगुल ये जाना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। तो मैंने इसको इस तरह, और आप हाथ से अच्छे से इसको दबा दें, अगर इसके अंदर हवा जाएगी और अच्छे से नहीं आपने दबाया इसको तो इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स से। तो मैं कुछ इसको मैं यहाँ से लगाऊंगी। अब ये जो पत्ता है इसको मैं फ्रेंड्स से कट कर लेती हूँ, ये देखिए इस पत्ते को मैं कट कर लेती हूँ, और ये जो नोड एरिया है इसको मैं इसके अंदर दबा लेती हूँ। तो इस तरह से हाथ से मैं इसमें होल बना के और इस कटिंग को मैं लगा दूंगी फ्रेंड्स से। तो इस ऐसे नोट एरिया जरूर मिट्टी के अंदर जाना चाहिए तभी आपका ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब देखिए मैंने अच्छे से हाथ से इसको दबा दिया है मिट्टी को, और ये मेरी कटिंग लग चुकी है फ्रेंड्स से। तो इस तरह से मैंने अपनी पान की कटिंग को लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी कि ये जो ग्रो बैग है इसके अंदर भी मैं ये कटिंग लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी को गीला करूँगी, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी में पानी डाल दूंगी। इस मिट्टी सूखी है तो ये जब गीली मिट्टी हो जाएगी तो ये अच्छे से हमारी कटिंग ग्रो हो पाएगी। तो ये कटिंग को मैं इसमें दबा दूंगी, ये देखिए ये नोड एरिया है, यहाँ से मैं इस कटिंग को यहाँ पर लगा देती हूँ इस तरह से, देखिए। तो मैंने इसको यहाँ पर लगाया। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो कटिंग है इसको भी मैं नहीं फेंकने वाली हूँ, बहुत अच्छे से इसको भी ग्रो करूँगी। और ये नोट एरिया है ये देखिए, और यहाँ पर भी है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये कटिंग को मैं इस तरह से कट करूँगी, जैसे मनी प्लांट होता है फ्रेंड्स उसी तरह से इसकी भी केयर करनी पड़ती है, और उसी तरह से ये हमारा प्लांट लग जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो नोड एरिया है इसको भी मैं नहीं फेंकने वाली हूँ, मैं पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इस तरह से मैं इसको भी इसके अंदर मैं दबा देती हूँ, और इसका मैं अपडेट आपको देती रहूँगी जब ये अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तब। देखिए फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ कम से कम 15 से 20 दिन में हो पाएगी फ्रेंड्स, और ये क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, गर्मी या बरसात में बहुत अच्छे से कटिंग लगती हैं, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से भी ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, और ज़्यादा सर्दी की वजह से भी। तो फ्रेंड्स मुझे कहीं से मिल गई थी तो मैंने ले ली है, और अब देखिए ये जो पानी मैं लगाने वाली हूँ ये एक और दो, दो नोड एरिया है इसकी, ये नोड यहाँ से ही फ्रेंड्स इसमें अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से मैंने इसको पानी में लगा दिया है इस कटिंग को, तो ऐसे मेरी ये पान की कटिंग्स लग चुकी हैं फ्रेंड्स। इनको अब हम कहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, इनको रखेंगे छाया वाली जगह पर। तो फ्रेंड्स अभी वैसे भी सर्दी है तो इनको ज़्यादा धूप वैसे भी कहीं नहीं मिलेगी, तो अभी मैं इनको रख दूँगी। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, जब भी आप कटिंग लगाएं कटिंग को हमेशा छाया वाली जगह पर रखें, तभी आपकी कटिंग अच्छे से ग्रोथ करेगी। और अब देखिए फ्रेंड्स मैं इसको छाया वाली जगह पर रखने वाली हूँ, और उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मैं पानी दे दूंगी इस वाली कटिंग में, ये गीली है मिट्टी फ्रेंड्स तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं दूंगी, और जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाएगी तभी इसमें पानी दूंगी, और इसमें भी मैं थोड़ी सी और दे दूंगी पानी। जब भी आप कटिंग लगाएं तो पानी जरूर दें, अच्छे से पानी दें और अच्छी से गीली मिट्टी हो जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको रख दूंगी छाया वाली जगह पर, और पानी तभी दूंगी जब इसकी मिट्टी की नमी ख़त्म होगी। और ये पान का पत्ता होता है और इसको हमेशा नमी चाहिए फ्रेंड्स, तो आप चेक करते रहे कि इसकी नमी ना ख़त्म हो, जब इसकी नमी ख़त्म होने वाली होगी तभी मैं इसमें पानी दूंगी।
तो इसको नमी बहुत पसंद है फ्रेंड्स, बिल्कुल मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, हमेशा इसमें नमी बना के रखना तो आपकी कटिंग्स है हमेशा अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने पान की कटिंग को लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये कटिंग तो लग चुकी है, लेकिन ये पान का जो पान का वैरायटी होता है, कई सारी वैरायटी इसमें आती हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 से 4 वैरायटी होती हैं पान की, और ये वाला जो पान की वैरायटी है वो देसी है फ्रेंड्स, और देसी वैरायटी बहुत आसानी से लग जाती है। और कई तरह के पान आपने सुने होंगे, और कई तरह के पान आते हैं, तो ये देसी पान है। और देसी जब भी आप कटिंग लगाएं तो देसी पान की कटिंग लगाएं, ये हमारे पूजा में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसकी कटिंग आप लगाएं, और जो और भी कई वैरायटी होती हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर ग्रो करने में आसानी नहीं होती है, और हमारा प्लांट और हमको पता भी नहीं होता है कि इसकी केयर हम कैसे करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स पान के पत्ते को आप हमेशा देसी वैरायटी का ही पान की कटिंग्स लगाएं, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी, और इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमेशा फ्रेंड्स इसको कभी भी सर्दी हो गर्मी हो, और हमेशा इसको छाया में ही रखना है। अगर आप धूप में रखेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल जल जाएगा और बिल्कुल मर जाएगा, प्लांट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप गर्मी में तो बिल्कुल भी ना रखें, सर्दी में तो एक बार रख सकते हैं धूप में, लेकिन तेज धूप अगर पड़ेगी तो ये पत्ते हैं जल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट पत्ते होते हैं और इनकी स्टेम भी जलने लग जाती हैं। जैसे हम मनी प्लांट की केयर करते हैं उसी तरह से आप इनकी केयर कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इनको। तो फ्रेंड्स इसलिए बिल्कुल धूप में न रखें, प्रॉपर छाया में रखें, जो धूप की जो लाइट होती है वो इनको मिलती रहे, अंधेरी वाली जगह पर भी नहीं फ्रेंड्स ये चलते हैं। इसलिए आप इनको ऐसी ब्राइट लाइट इनको मिले, और छाया मिले, ब्राइट लाइट मिले, धूप बिल्कुल ना मिले, तो ये बहुत आसानी से प्लांट चलते रहते हैं। तो इसी तरह से आप पान की कटिंग की केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी कटिंग्स को यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरह से मैंने 3 कटिंग लगाई हैं, 4 कटिंग्स लगाई फ्रेंड्स, और 1-2 कटिंग्स मैंने 2 जगह लगाई है, और 1-1 कटिंग अलग अलग लगाई है। तो फ्रेंड्स इनको जब ये पान के पत्ते की ग्रोथ अच्छे से होगी तब फ्रेंड्स इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी फर्टिलाइजर की, या वो आप जैसे मनी प्लांट की केयर करते हैं उसी तरह से आप पान के पत्ते की भी केयर कर सकते हैं। इसको भी चाय की पत्ती का पानी दे दीजिए, या दाल चावल का पानी होता है उसको दे दीजिए, ज़्यादा इसको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट रहनी चाहिए फ्रेंड्स, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, मिट्टी टाइट होगी तो आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। मैं तो फ्रेंड्स हमेशा अपने गार्डन की सॉइल यूज करती हूँ, और अपनी ये किचन वेस्ट, तो किचन वेस्ट तो ज़्यादा ठोस मिट्टी नहीं होती है, किचन वेस्ट मैं ही लगाया है मैंने फ्रेंड्स। तो इस तरह से मिट्टी रहनी चाहिए इसकी, बिल्कुल मिट्टी को सॉफ्ट रखेंगे तभी आपका ये पान के पत्ते की जो ग्रोथ है अच्छे से होगी फ्रेंड्स, और ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं है, और कभी कभी फर्टिलाइजर देते रहिए। तो ये थी मेरी ये पान की कटिंग, तो आपको ये मैंने जैसे ग्रो किया है ये आइडिया आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स, और मेरे पान की कटिंग कैसी लग रही है आप कमेंट में फ्रेंड्स ज़रूर बताना। और आज का वीडियो फ्रेंड्स यहाँ तक है, थैंक यू।